छोटे बेटे मेरे दोस्त रहे हैं और मुराद, उनका नाम भी मुराद है, मुराद जमील। तो सिलसिले में मुझे आना था फातिहा पढ़ने, तो सिलसिले आया हूँ बस फातिहा के लिए। अच्छा, हमने एक बात देखी कि आप आए तो यहाँ पर सफाई हुई, इससे पहले यहाँ पर कचरे का ढेर था और कब्रिस्तान का कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा था, तो क्या फिर इसके लिए? मुझे इसका पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, ये कब्रिस्तान मेरे ख्याल है मिलिट्री आर्मी के उसमें है और अच्छा है, सफाई हो गई मेरे आने से। तो कैंटोनमेंट जहाँ भी अच्छी बात है, सफाई हुई है तो उसमें किसी को इतराज़ तो नहीं होना चाहिए, किसी भी वजह से सफाई हो जाती तो है तो नहीं, हर जगह होनी चाहिए। हम तो अमूमन देख रहे हैं जहाँ आप जाते हैं वहीं होता है, हर जगह होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। अच्छा शाह साहब, ये क्योंकि एक अदबी शख्सियत हैं, तो क्या सिंध गवर्नमेंट अदब के हवाले से और ये आर्ट्स काउंसिल में कुछ इस किस्म के हवाले से अदब की तजवीज़? देखिए, कुछ तजावीज़ हैं इस वक्त जमीलुद्दीन अली साहब की खिदमात को सराहने के लिए, और वो पेंडिंग है हुकूमत के पास, एक दो चीज़ें इंशाल्लाह ताला उस पर जल्द करेंगे, और उनकी खिदमात इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा हैं, और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि वो कुछ एक आध चीज़ें पेंडिंग है, वो मैं जल्दी। आप समझते हैं कि माशरे में अमन अमान के लिए और तरक्की के लिए अदब बहुत ज़रूरी है।